जाती तौर पे मेरा थोड़ा सा ताज्जुब होता है, एज अ केयर टेकर सेटअप, व्हाई आर यू टेकिंग पोजीशंस? आप जान रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अभी दो किस्म की इंटरप्रिटेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, एंड यू हैव सम ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ऑल्सो आर्ग्यूइंग इन फेवर ऑफ 48-5 वर्सेज द इलेक्टोरल अमेंडमेंट्स दैट वी जस्ट सीन. Why would you just not say let the Supreme Court decide? And you know what? When we're told jab election schedule aayega, we're going to go backing off. When you say ki election commission hi decide karega, usko frame karne wale jo senators or legislators hai jinka aap zikr kar rahe hain, wo to khud kehte hain ki 48-5 ki tarjeeh hai. So I mean, I'm not a constitutional expert, neither are you. So wouldn't it fare better for your government to take a position not in favor or against the ECP giving a date? Dekhe. और मुझे ये भी बड़ी हैरत होती है कि सेनेट कमेटी के अंदर आज ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि इनकी पेमेंट्स रोक दो और इनके डॉलर्स में पैसे. एंड डू क्लैरिफाई अली मोहम्मद साहब, बिकॉज आई बिलीव कि 3 साल पहले मेजॉरिटी आईपीपीस को डॉलर इंडेक्सेशन जो है वो खत्म कर दी गई थी. सो मेजॉरिटी आर नॉट बीइंग पेड इन डॉलर्स. एंड नंबर टू, इट्स ओनली सम ऑफ द सीपैक प्रोजेक्ट्स व्हिच वी हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर एट दैट टाइम, सो वी डिड नॉट उनको नहीं की, बिकॉज ये सेनेटर्स ये बात कर रहे हैं. सॉवरेन गारंटीज हैं, किस तरह आप बंद कर सकते हैं? आपको क्लैरिफाई करना चाहिए सर, रोज हेडलाइंस बन रही हैं. अच्छा, पहले मैं आपके यू आर एब्सोल्युटली राइट के नाइदर आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, नाइदर आर यू. इस वक्त तक जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टैट्यूटरी पोजीशन पे कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं देती, तो जो लॉ rectify ho chuka ho, sign ho chuka ho by the President of Pakistan, that is the law of the land. And according to that law of the land, ab tak jab main aur aap baat kar rahe hain, Election Commission of Pakistan is the one who has to decide. If Supreme Court decides otherwise in its interpretation, I'll go by your position. I don't have a position, sir. Well, at least you have a position that why I'm assuming. My assumption, देखिए इस वक्त गॉड फॉरबिड इस मुल्क में कैपिटल पनिशमेंट है, अगर मैं और आप में से कोई भी कत्ल कर दें तो हम उसके नतीजे में हम इस पेनल्टी को फेस कर सकते हैं. अनटिल एंडलेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डज एन इंटरप्रिटेशन के नहीं इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए और कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, तो इस वक्त तक अगर मैं और आप कैपिटल पनिशमेंट की गुफ्तगू कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द लॉ कर रहे हैं. तो मैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ये बात कर रहा हूं कि इट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. मे बी अ सेक्शन, पॉलिटिकल सेक्शन लाइक्स इट और डिसलाइक्स इट, दिस इज लॉ ऑफ द लैंड. द कोर्ट्स आर देयर टू डू द इंटरप्रिटेशन द मैटर. मैं तो इवन ये भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं कि कोर्ट्स उसमें क्या इंटरप्रिटेशन कर रही है, जब हो जाएंगी हमें पता लग जाएगा, वी अबाइड बाय दैट. ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई पोजीशन ले रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पोजीशन ले रहे हैं. वट एवर द लॉज आर, वी विल ट्राई दैट दे बी आर गाइड, दे बी आर बीकन. और हमें लॉ की इस वक्त तक यही अपनी इंटरप्रिटेशन आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट में है, वो जब भी अनाउंस करेंगे जो हमसे कहेंगे हम उनको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे.